व्हाट्स अप गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक इनटू अनदर व्लॉग। तो जी फाइनली पासपोर्ट अपना आ गया। तो आज मुझे मैसेज आया था कि आपका पासपोर्ट आ चुका है, आके पिक कर लें। फिलहाल निकल रहे थे गुजरात के लिए, आइट्स की एकेडमी के लिए। तो मैंने सोचा कि जाते हुए सबसे पहले पासपोर्ट पिक करेंगे और फिर जाएंगे एकेडमी। तो टाइम से आया कि अब क्या जल्दी से निकालते हैं बाइक और चलते हैं गुजरात। तो जी अभी सबसे पहले पेट्रोल डलवाना है और फिर निकलते हैं सीधा गुजरात के लिए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ए मुबारक। ओह माय गॉड, वाओ। फाइनली जिसका इंतज़ार था अल्हम्दुलिल्लाह पिक कर लिया पासपोर्ट यहाँ से। तो जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पासपोर्ट वगैरह कलेक्ट कर लिया है। दोस्त को कॉल किया, वो भी यहाँ पे आ रहा है। तो फिर जल्दी से आ जाए, फिर इंशाल्लाह चलते हैं। गर्मी शदीद है, बाइक अपनी धूप के अंदर ही खड़ी की हुई थी मैंने। तो है, निकलते हैं अब और क्या कर सकते हैं। देख लें जी, माशाल्लाह फाइनली जलालत के बाद मैं यहाँ पे पेट्रोल पंप पे आ गया हूँ। तो मैं चलो ज़रा पानी शानी पिए, गर्मी बड़ी शदीद है तो पानी शानी पीते हैं, इतने में वो भी आ जाता है। अभी लेट है यार। ओह माय गॉड। तो जी फ्रेंड्स, यूनियन दोस्त इकट्ठे हुए हैं सारे। ये ना खुद पढ़ता है ना किसी को पढ़ने देता है। टूट गया भाई, टूट गया, टूट गया भाई का आईफोन, टूट गया। Few inches later. तो जी फाइनली फ्री हो चुके हैं, क्लासेस वगैरह ले ली हैं और आज भाई ने माशाल्लाह नाम रोशन किया है जी। आई नी कॉन्ग्रेचुलेशन, गुड, शाबाश। रीडिंग में पूरा चले जी, इनको कर देते हैं लाफिज। ओके लाफिज, यहाँ से जाना। माशाल्लाह आज यार आपने नाम रोशन तो जी हम भी बस चलते हैं फिलहाल हम जल्दी से। Later that same evening. तो जी घर आके रोटी शोटी खा के रेस्ट की थी। आज मैं जिम नहीं गया, आज मेरा दिल नहीं था जिम जाने पे। तो शाम को देखेंगे, शायद शाम को मैं जिम चला जाऊं। तो फिलहाल आए हुए थे यहाँ पे, तो क्या वहाँ पे बन रहा है मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने पूछा है, कन्फर्म किया है। और आज ना ये देखो, यहाँ से भी गंद काफ़ी इन्होंने ना समेट दी है। तो अभी माशाल्लाह काफ़ी ना साफ़ सुथरा सा हो गया। ये भी देख रहे हैं दीवारें वगैरह भी ना खुली कर रहे हैं, दीवारें वगैरह अभी उतार के ना, तो माशा बड़ा ज़बरदस्त सीन होने लगा। मैं अभी समझाता हूँ आप लोगों को जी इस चीज़ की मैं बात कर रहा था। तो जी जो ये पार्टीशन आप लोग देख रहे हैं ना, ये है बेडरूम की, एक मतलब रूम बनेगा यहाँ पे। बाद में जब इसको एक घर में ट्रांसफॉर्म करेंगे ना, वो पता नहीं कब जाके करेंगे, तो यहाँ पर बेडरूम आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर एक रूम बनेगा। अभी यहाँ पे भी देख सकते हैं काफ़ी ये मोटी दीवार है। ये भी जब निकल जाएगी ना सारी, और पीछे से भी अभी दीवार खाली होनी है, तो जब बिल्कुल स्मूथ ये सब कुछ हो जाएगा तो और ज़्यादा खुली जगह हो जाएगी। तो यहाँ पे एक रूम बनेगा और फिर ये जितनी जगह आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ से लेके वो तोड़न तक, इसको हम इसी तरह छोड़ देंगे और इधर गाड़ियाँ और बाइक वगैरह खड़ी होंगी। तो इंशाल्लाह ऐसा सीन बनेगा। और लेंटर वगैरह भी डाल देंगे, मतलब छत भी डाल जाएगी, तो एक गैराज टाइप ही बन जाएगा। तो टफ टाइल वगैरह यहाँ पे मे भी लगाएंगे और बाहर फिर गेट आ जाएगा और ये सीन फिर होगा। खैर वो तो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह होता रहेगा। मैं चलो आपको साथ साथ अपडेट रखते हैं कि क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। तो ये देखें जी, काफ़ी पुरानी दीवारें हैं, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, चेक करो भाई। हाँ ये मिट्टी है इसमें, ये देख सकते हैं, हुए 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 और बाकी ईंटें हैं। तो जी कोई इस तरह की बिल्ड हुई भी है ये चीज़, और ये वो साथ वाले घरों की है। तो पता नहीं लोग क्यों नहीं यार, मजबूत सेफ्टी को पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए इन्हें, लेकिन नहीं देते लोग। खैर इंशाल्लाह जब ये बनेगा ना तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो एक दफ़ा जब ये कम्प्लीट हो जाएगा ना, फिर जो ये सामने वाला घर आप लोग देख सकते हैं, ये काफ़ी माशाल्लाह जगह है और लंबाई में तो बहुत ज़्यादा। मैं आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ ये, वो जहाँ पे वो जो पाइप नहीं लगा हुआ, उससे आगे जहाँ तक ये जो पैटर्न वाली दीवार है, वहाँ से लेकर ये तोड़, ये जो ऑरेंज ग्रिल और ये लगी, ये जो दीवार है ये वाली जहाँ पे वो मीटर लगा हुआ है, वहाँ तक ये दोनों घर अपने हैं। तो एक दफ़ा जब ये वाला एरिया बन जाएगा, तब ये दोनों मकान गिरा के एक सिंगल घर बनेगा। एंड यू कैन इमेजिन कि किस तरह का माशाल्लाह खूबसूरत घर बनेगा। मतलब लंबाई यार चेक करो बहुत है इस घर की, काफ़ी पुराने घर हैं, इसकी हालत से भी पता लग रहा होगा बहुत पुराने घर हैं ये। और यहाँ पे जो गेट लगेगा ना, वो रेलिंग वाला लगेगा, लेकिन रेलिंग वाला इस तरह नॉर्मल नहीं लगेगा, क्योंकि नॉर्मल अगर रेलिंग वाला लगाया ना तो वो तो इतनी जगह ही नहीं है उसकी स्लाइड होने की। तो इस तरह होगा स्लाइडिंग डोर, कि यहाँ से स्लाइड होगा
और यहाँ पे एक कर्व होता है उसके, और यहाँ से फिर कर्व होकर ना दीवार के बिल्कुल साथ लग जाएगा। तो इस तरह का सोचा है और बनवाने के लिए भी दिया हुआ है, तो इंशाल्लाह वो भी बन जाएगा। तो जी चलते हैं फिर अंदर। हाँ जी कछुआ भाई सुनो जी, कैसे हो आप? लॉन्ग टाइम नो सी। कछुआ भाई ये हली ना की बाहर है वो, बाकी यार डरता बड़ा है, किसकी समझ नहीं आती। तो जी बाइक घर आ गई थी, तो जल्दी से अब इसको जाके खड़ा करते हैं। देखें लाइट ऑन करके सामने बैठा हूँ ताकि अच्छी क्वालिटी है आप लोगों के लिए। देखो सेक्रीफाइस, सो मेक श्योर टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन। लो जी बाइक खड़ी करने आए थे, चाचू भी आ गए। चलो अच्छा हो गया, बाइक वगैरह भी खड़ी कर दी और गाड़ी वगैरह भी खड़ी करवा देंगे, नाइस हो गया। द नेक्स्ट डे। जुम्मा मुबारक आप लोगों को जी। फिलहाल लाइट्स का अभी एकेडमी से बाहर निकले हैं और जुम्मा शुमा पढ़ने जा रहे हैं। अबू मस्जिद जा रही है हम गुजरात में। मैं 2 बजे मस्जिद ढूंढने लगा, कोई पता नहीं मिलती भी है कि नहीं। चलो फिर चलते हैं, फिलहाल मस्जिद वगैरह ढूंढते हैं और जुम्मा में आप भी पढ़ूंगा क्योंकि मैं भी अगर मैं लड़कों का दिल है जी रोशो पीनी है, कहते हैं गर्मी बड़ी है। फिर मान सोचो यहाँ पे कोई माई आए आके बोले पुत्र 3 रुपए दे चढ़े थे करी। लो जी गिलास आ गए जी, चस आ गए ठंडे हुए, पियो 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 यार पियो। ओहो बुजुर्गो पियो। मौलवी साहब ने कहा दुआ करो असी पास हो जाइए, रिजल्ट आने लगे यार। आमीन आमीन। तो जी घर वगैरह आ गए थे और अब मैं फ्रेश होकर खाने लगा हूँ खाना, गर्मी बहुत शदीद है, मुझे भूख भी काफ़ी लगी हुई है। तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हुआ तो हमेशा की तरह वीडियो कर देना लाइक, आप ना वीडियो को लाइक करते हो ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लेकिन वीडियो देख लेते हो हैं तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हाँ ये कर लो पहले बात तो सही है। बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे। No God! No God! Please no! No! Oh my God! Wow!